हमारा मामला यह है, हमारा एक बच्चा जो है ध्रमण पंचायत का रहने वाला, वो शारिक नाम का, उसकी वलदीत जो है मोहम्मद अकबर है। 9 तारीख को बच्चा कोटरंका बकोरी से गुम हो गया 1-1.30 बजे के दरमियान में। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट जो है वो भी डाली कोटरंका थाना में। आज तक कोई उस बच्चे का आता पता जो है वो नहीं चला जा रहा। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि ये जो लोग हैं ये हमेशा के लिए ये हिंदुस्तान का झंडा थाम के हम लोग चलने वाले हैं, इसके पहले में और आज के बाद भी। अगर कोई बच्चे की कोई भी गलत एक्टिविटी है तो हम ये नहीं कहते कि वो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ज़ाहरी तौर जो हमारा कानून जो आयन कहता है उसको सज़ा दी जाए। लेकिन वो बच्चा जो है गुमशुदा है, माँ बाप जो हैं उसके बहन भाई हैं, कुंभा बरादरी है, पूरे गांव के लोग जो है परेशान हाल हैं कि वो बच्चा कहाँ चला गया। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितनी भी एजेंसियां हैं सब हमारे लिए हैं, हमारे मुल्क में अमन लाने के लिए हैं, देशद्रोही लोगों को जाहिर करने के लिए हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ इस आवाम की माध्यम से कि उस बच्चे का 1 हफ्ते के अंदर जो है वो पता करके हमें उसके लाश को दिखाया जाए या उसके जिंदे को पता करके दिखाया जाए कि वो कहाँ पर है। क्योंकि हमारे मुल्क में एक बच्चा यहाँ से भाग कर थाना कंडी से चला गया था हिमाचल में, तो उसको 1 हफ्ते के अंदर वो यहाँ वापस लाया गया था। अगर हमारे पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारी CID हमारी एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर नहीं, अल्लाह के फजल से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये सीधा सीधा साधा हमारी आवाम है, इनकी परेशानी के इनके दुख के अंदर अगर कोई मामला हल करने वाले हैं तो हमारी सरकार है, हमारी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन है। इसलिए 1 हफ्ते के अंदर उस बच्चे का पता करवा के हमें दिया जाए। और यही बात है तो मैं भी गुजारिश करता हूँ, मेरा बेटा जो है मोहम्मद शारक वो 9 तारीख को गायब हुआ और हमने मिसेस रिपोर्ट भी दी है और उन्होंने कहा हम ढूंढेंगे, अब तक कोई पता नहीं मिला उसका। तो जनाब गलत है तो उसको सज़ा होनी चाहिए और वो हमें पता चाहिए कि वो ज़िंदा है या मरा हुआ है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मेरा बेटा गलती में होगा किसी में होगा उसको गिरफ्तार करना, क्योंकि कानून है। हम उस मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूं जिसने गलती की हुई, मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूं, लिहाजा वो हमें मिलना चाहिए ज़िंदा और मरा हुआ। तो मैं इसी पर ख़त्म करता हूं और बाकी इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूँ, वो हमें मरा और ज़िंदा वो हम देखना चाहते हैं। जो उसकी गलती है तो उसको सज़ा होनी चाहिए।